सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बददुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। आज का पंचांग 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र शाम 4:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सकें। जरूरतमंदों चाहे बच्चे हो या बूढ़े उनकी मदद करें, ऐसा करने से आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, चाहे आपको इस रास्ते पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी जो कि बहुत ही लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। केवल आप अपने विचारों में ही खोए रहने की वजह से दूसरों की समस्याओं का पता लगाना आपके लिए कठिन होगा। आपके बर्ताव के कारण कोई व्यक्ति फिलहाल दुखी है और इसी कारण की वजह से आपसे दूरियां बढ़ने लगेगी जिसे आप फिलहाल महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन व्यक्ति आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। काम की डेडलाइन को ध्यान रखते हुए काम को करने की आवश्यकता होगी। किसी व्यक्ति द्वारा मिले हुए प्रपोजल को आप हाँ कह सकते हैं, यह प्रपोजल आपके लिए उचित रहेगा। शरीर की बढ़ती गर्मी तकलीफ का कारण भी बनेगी। जो डॉक्टर किसी विभागीय या कानूनी जांच का सामना कर रहे हैं उन्हें इस मामले में अनुकूलता मिल सकती है। पुरानी चोट दुखी कर सकती है, यात्रा हो सकती है। सावधानियां, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, वे आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती हैं। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें। निश्चित ही आपको कोई उचित राह मिलेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के साथ मनोरंजन और हास परिहास में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा। आप हाल फिलहाल ही किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अभी अधिक महत्व नहीं दे रहे। आप इसके बारे में सोचते हैं और अगर आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सके तो यह आपके लिए जिंदगी का यादगार रिश्ता बन सकता है। बात करते हैं करियर की। आज अपने कार्य स्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी जिनमें आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण ये समय निर्णय लेने का नहीं, आपके लिए वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन भी आ सकते हैं। प्रतिष्ठित व्यावसायिक लोगों से अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। इस समय बिजनेस बढ़ाने की योजनाएं भी बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ेगा जिसकी वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की।
आपको आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने से आप आसानी से उनसे बच सकते हैं। जंक फूड भी ना खाएं, क्योंकि उनसे पेट दर्द हो सकता है। आपको यह समझने की भी बहुत जरूरत है कि आपके जीवन में तनाव का कारण आपका काम नहीं बल्कि आपका खाना है। आज एक हेल्थ क्लास ज्वाइन कर लें, इससे आपको लंबे समय तक के लिए फायदा भी होगा। उमस भरी गर्मी की वजह से भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गेहूं और खाने की चीजों का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।